तो राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में गणतंत्र दिवस बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अब दिल्ली में चुनाव भी हैं तो नागलोई विधानसभा से प्रत्याशी सुमन शौकीन भी एक कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। दिल्ली सहित पूरे देश में आज गणतंत्र की धूम रही, हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। जगह जगह लोग देशभक्ति में लीन नजर आए और कई जगहों पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सम्मान करके गणतंत्र मनाया गया। इसी कड़ी में नागलोई जाट विधानसभा में भी सुबह से ही कई इलाकों में ध्वजारोहण और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज शौकीन भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमें आज के दिन हमारे शहीदों पे तो गर्व है ही, लेकिन मौजूदा हालात में कई ऐसे लोग आ गए हैं जो देश के लिए खतरा हैं। ऐसी सोच को हमें आगे नहीं बनने देना चाहिए। और आजाद होने के बाद जब देश का संविधान बना, गणतंत्र राज्य गणतंत्र दिवस की स्थापना हुई और लोगों की अंदर खुशी का माहौल, और वो माहौल आज भी नजर आ रहा है। लेकिन आज माहौल ये भी है कि कुछ लोग जो संविधान को जो है तोड़ने की बात करते हैं, संविधान के बारे में कुछ जो है भ्रम फैलाने की बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि देश के झंडे के नीचे देश के संविधान के साथ चलना चाहिए। देश आगे बढ़ेगा और विश्व का मार्गदर्शन करेगा। इस दौरान मनोज शौकीन की पत्नी सुमन शौकीन, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो भी इन कार्यक्रम में पहुंची। उन्होंने ध्वजारोहण किया, लोगों को संबोधित किया। उनका कहना है कि आज हर कार्यक्रम में पहुंचकर वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, लोग बड़ी खुश है। हमारे इधर से महिला सीट हुई है, महिलाओं में बड़ा उत्साह है, जोश है, इस बात को लेकर के वो बड़ी खुश है। हमारे भाई भी बहुत ही खुश है कि हमारी विधानसभा में कितने पहली बार महिला सीट हुई है। इस दौरान सुमन शौकीन ने अपनी जीत का दावा किया। वो दावा कितना सही साबित होता है और जनता का कितना सहयोग मिलता है, ये तो 11 तारीख को ही तय होगा। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।